नमस्कार, खबरें जारी। न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। न्यूज एट सिक्स की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बुरहानपुर से खबरें, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। करीब 50 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। आरोप यही कि कोटरा खेड़ा इलाके में करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और इसे हटाने के लिए वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी। तो लोगों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वन विभाग का जो अमला वहां पर पहुंचा था अतिक्रमण हटाने के लिए, उस पर भी हमला किया गया। रविंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, डिटेल आपसे चाहेंगे इस तोड़फोड़, इस मारपीट पर। दो के बुरहानपुर जिले के असीर रेंज के तहत आने वाले वन परिक्षेत्र 133 क्रमांक के अंतर्गत आज जब सुबह वन विभाग का अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा वहां पर, तो उसने देखा कि वन भूमि पर वृक्षों को काट करके खेती की जा रही थी। यहाँ ट्रैक्टर चलाया जा रहा था और इसी ट्रैक्टर को जब्त किया वन कर्मियों ने। उसी दौरान जो है जो वन अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई, जिसके चलते यहाँ पर नेपाल नगर पुलिस को बुलाया गया और निम्बोला पुलिस दोनों पहुंच करके मामले को शांत किया। लगभग 15 से अधिक नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? क्या वन विभाग का किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई चोट आई? जी, अब बता दें कि अभी तक SDOP और साहब वहां पे पहुंच चुके थे और वो तस्दीक कर रहे थे, लेकिन सभी आरोपी पुलिस कर्मियों के पहुंचने के बाद जो है भाग चुके थे, इसलिए अभी उनकी धरपकड़ जारी है, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं लगा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।